हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से सब जगह लॉकडाउन चल रहा है, तो मैंने आज यह वीडियो आपके लिए लॉकडाउन के हिसाब से बनाई है। आज हम पढ़ाई की नहीं बल्कि गेम्स की बात करेंगे, और गेम्स वो भी जो आप व्हाट्सएप पे खेल सकते हैं लॉकडाउन में अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करने के पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पॉजिटिव माइंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप जितने ज़्यादा लाइक्स देते हैं मुझे उतना ही अच्छा मिलता है और मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और वीडियोस बनाने का। और साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए, कौन से चैप्टर की चाहिए, या कुछ और वीडियो चाहिए, तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि लॉकडाउन में आप व्हाट्सएप पे कैसे गेम खेल सकते हैं, क्योंकि अभी आप अपने फ्रेंड के साथ गेम खेलने बाहर तो जा नहीं सकते हैं या अपने घर पर किसी को नहीं बुला सकते हैं। तो कुछ गेम्स ऐसे हैं जो आप घर बैठे अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप पर व्हाट्सएप पर खेल सकते हैं, अपने फैमिली के साथ खेल सकते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ खेल सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे गेम्स की लिस्ट में सबसे पहला गेम है अंताक्षरी। अंताक्षरी तो भारत का बहुत ही लोकप्रिय गेम है। आप इस गेम को व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ खेल सकते हैं। इसके लिए आपको टेक्स्ट या फिर वॉइस रिकॉर्ड फीचर का इस्तेमाल करना होगा, जिसके द्वारा आप अपना गाना भेजेंगे और फिर अगला गाना कोई और भेजेगा। बस इसी तरह अंताक्षरी का ये गेम चलता रहेगा। यह तो बात हुई सबसे साधारण अंताक्षरी की। अंताक्षरी को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप व्हाट्सएप पर पूरा गाना लिखने की बजाय गाने का रिक्त स्थान बनाकर भेज सकते हैं, और जो शब्द रिक्त स्थान में आएगा उसकी फ़ोटो खेलने वालों को भेजनी होगी, या उसकी ड्राइंग या उसकी चित्र मतलब बनाकर उसका भेजना होगा। जो सबसे पहले भेजेगा उसे पॉइंट मिलेगा। मैंने आपको समझाने के लिए एक उदाहरण भी लिखा है। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, जैसे गाना है, बोले चूड़ियाँ बोले कंगना, हाय में हो गई तेरी साजना। तो बोले के बाद मैंने यहाँ खाली स्थान दिया है, इसमें उत्तर लिखना है। जो सबसे पहले चूड़ियाँ लिखकर भेजेगा और उसका चित्र भेजेगा या पिक्चर भेजेगा उसको पॉइंट दिया जाएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने चूड़ियों की पिक्चर भी लगाई है। इसी तरह बस चूड़ियाँ अपने घर से लेकर पिक्चर क्लिक कर भेजनी होगी, या फिर अगर आप ड्रॉ कर सकते हैं तो ड्रॉ कर लें। कोशिश करिए आप ऐसे गानों को अंताक्षरी में जोड़ें जिसका सामान आपके घर पर उपस्थित होता है। हमारे गेम्स की लिस्ट में अगला गेम है वंस अपॉन अ टाइम गेम। यह गेम काफ़ी शानदार है। इसमें आपको अपने ग्रुप में वंस अपॉन अ टाइम लिखना होगा, जिसके बाद ग्रुप मेंबर्स को 30 सेकंड से 1 मिनट में इसके आगे की स्टोरी जोड़नी होगी, यानी कि कहानी बनाने के लिए है ये गेम। यदि आप इस गेम को अपने दोस्तों के साथ खेलेंगे जिन्हें आपके सारे सीक्रेट पता हैं, तो यह गेम और भी मज़ेदार बन जाएगा। आपको समझाने के लिए मैंने इसका भी एक उदाहरण लिख दिया है, मैंने इंग्लिश में लिखा है। आप चाहें तो ये गेम हिंदी में भी खेल सकते हैं। इसमें बस आपको कहानी जोड़ते जानी है एक एक सेंटेंस के साथ। हर मेंबर एक एक सेंटेंस जोड़ेगा और कहानी आगे बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल है, पहला मेंबर निकलेगा, वंस अपॉन अ टाइम अ स्मॉल बॉय लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज। सेकेंड मेंबर लिखेगा, ऑल हिज क्लासमेट्स लव्ड हिम वेरी मच। आप इसे हिंदी या इंग्लिश कैसे में भी खेल सकते हैं। इस गेम के साथ आपको सेंटेंस फॉर्म करने भी आ जाएंगे, पढ़ाई की पढ़ाई हो जाएगी और गेम का गेम। यह गेम काफ़ी मज़ेदार है, इसे एक बार अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर खेलिएगा। यह गेम आसानी से व्हाट्सएप पर खेला जा सकता है। हमारे गेम्स की लिस्ट का अगला गेम कौन सा है जानते हैं? गैस द वर्ड गेम। यह गेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें करना क्या है। इसमें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक हिंट के साथ एक शब्द लिखना होता है, जिसमें बाकी के ग्रुप मेंबर सही शब्द का पता लगा कर लिखते हैं। मैंने एक एग्जांपल नीचे लिखा है, आपको समझाती हूँ कि करना क्या है।
देखिए नीचे एग्जाम्पल मैंने दिया है हिंट के साथ, हिंट दी है मैंने फेस्टिवल, फेस्टिवल माने कि त्योहार, और ये डी डैश डब्लू डैश डैश आई लिखा है, इसका आंसर है दिवाली। इस गेम को भी आप चाहें तो हिंदी में खेलिए चाहें इंग्लिश में खेलिए, यह आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। आप चाहें इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स बनाकर वर्ड दीजिए, चाहें स्क्रम्बल कर कर माने कि आगे पीछे वर्ड्स कर दीजिए, लेटर्स कर दीजिए, और लोगों को कहिए कि ये पहचाने कि क्या लिखा हुआ है। हमारी गेम लिस्ट का अगला गेम है ट्रेजर हंट गेम। इस गेम में आपको ग्रुप पर पहेली के द्वारा किसी वस्तु के बारे में बताना होता है और बाकी ग्रुप मेंबर उस चीज़ को पहचान कर उसकी फ़ोटो ग्रुप में भेजते हैं। इस गेम को खेलते वक्त इस बात का ध्यान अवश्य रखिए कि वह वस्तु सबके घर में होनी ज़रूर चाहिए। इसका एग्जाम्पल भी मैंने आपको नीचे दिया है, मैं अभी आपको समझाती हूँ। एग्जाम्पल है, ऐसी वस्तु का फ़ोटो खींचो जो सूप चाय के साथ टेबल पर आती है और खाना खाने में तुम्हारी मदद भी करती है। इस पहेली का आंसर है चम्मच, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं स्पून। आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीन पर स्पून की एक पिक्चर भी लगाई है। बस इसी तरह ग्रुप मेंबर्स को फ़ोटो खींचकर भेजनी होगी। आज के लिए हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है और सारे गेम ओवर हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप भी अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए जिसमें आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के संग ये सारे गेम खेल सकें। पर हाँ, अपनी पढ़ाई का लॉस मत करिएगा, पढ़ाई भी करनी है और हमें एंटरटेनमेंट भी करना है। तो पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर कोई टाइम फिक्स कर अपने फ्रेंड के साथ इन गेम को खेलिए। एक दिन में सारे गेम नहीं खेलने, एक दिन में एक ही गेम खेलिए। और हाँ, टाइम ज़रूर फिक्स करिएगा। जाने के पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और कमेंट सेक्शन में अपनी अगली चॉइस मुझे लिखना ना भूलिए। मुझे बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए।